साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो खेती फसलों से संबंधित नहीं है, नेचुरल फार्मिंग से संबंधित नहीं है, ये नेचुरल लाइफ स्टाइल से संबंधित है। हम बुंदेलखंड वासी हैं, हम बुंदेलखंड में हम कैसे घरों में रहा करते थे, हमारी लाइफ स्टाइल क्या थी। हमारे घर पक्के हुआ करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, जिनपे ये खपरेल, थोड़ा सा ऊपर दिखाइए आप, ये खपरेल छपा हुआ करता था। ये घर जो है बुंदेलखंड के घर गर्मी में ठंडक दिया करते थे, ठंडी में गर्माया करते थे, बारिश में घरों में सीलन नहीं रहा करती थी। तो आज मैं अपने एक मित्र के पास आया हूँ यहाँ पे, और उनके पास आज हम बात करेंगे, उनका घर का पूरा भ्रमण करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं, उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं। वीरेन भैया अंदर आ रहे हो। अरे भैया राम राम। नमस्कार। और वीरेन भैया क्या हाल है? बढ़िया। आइए आइए आ जाइए। ये हमारे वीरेन भैया है, हमारे ये हमारे भाई तुल्य हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और आज हम इनके यहाँ पे आए हैं। आप देख रहे हैं ये जो है बुंदेलखंडी घर है पूरा। यहाँ पे आप दिखाइए, ये चौतरा है ये बुंदेलखंड का। यहाँ पे चौतरे में बैठका था ये, एक्चुअली इसमें शाम को या जब भी फ्री हुआ करते थे। इस तरफ भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे बैठक हुआ करती थी। बारिश के दिनों में यहाँ पे गाँव के सारे लोग आकर के बैठते हैं, आपस में अपनी एक दूसरे की समस्याएं बताते हैं, गांव के हालचाल लेते हैं, फसलों के हालचाल लेते हैं, समाज का हालचाल जानते हैं। इसके बाद रात में बैठ करके मैं भी इन चौतरों पे बैठा हूं, और रात में खूब सारी कहानियां, आल्हा उदल की कहानी हमारे यहां बहुत फेमस थी, जिसे गा करके अभी भी सुनाया जाता है गाँव में, और बहुत सारे किस्से कहानियां होती हैं, रात भर यहाँ पे कहानियां होती रहती हैं, और इसके बाद फिर आगे चीज चलती थी। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, चौतरा है ये, माई राम राम, ये हमारी माई है, ये इनके यहाँ हम आए हुए मिलने के लिए। हम आपको पूरा घर दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं ऊपर दिखाइए, ये खपरेल जो है लकड़ियों के माध्यम से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर खपरेल पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा इसका जो है ना, अगर हम देखें तो लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी आ गई है, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, हम लोग लालटेन और दीपक जला करके यहाँ बैठा करते थे, और थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई है। तो हम अंदर चलते हैं, एक अंदर देखेंगे। आइए माई, आप भी बताइए इस घर के विषय में, हम अभी आपसे पूछेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है इसे हम लोग कहते थे, क्या कहते थे भैया इसे? हम लोग नरधा कहते थे। तो बुंदेलखंड में ये जो आप देख पा रहे हैं ये नरधा है, और विशेष रूप से गांव में जो होता है ये गांव का बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम की तरह से यूज किया जाता है, और बहुत ही विधिवत तरीके से हर घर में बुंदेलखंड में ये बना रहता था। ऊपर यदि आप देखेंगे तो ये अटारी है, यहाँ पे लकड़ियां वगैरह, मड़वा है ये, मड़वा, राइट वीरेन भैया बता रहे हैं मड़वा है, और मड़वा में यहाँ पे लकड़ियां वगैरह बारिश के लिए इकट्ठा करके रखी जाती थी जलाने के लिए। ये यहाँ पे कंडे जो है लकड़ी के लिए, ईंधन की व्यवस्था के लिए आप देख पा रहे हैं, ये कंडे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कंडे रख करके पूरे वर्ष का इंतजाम किया जाता था। और यहाँ पे हम चलेंगे अंदर, सबसे बड़ा जो चलने का अंदर है, आइए अंदर देखते हैं। ये देखिए आप, ये आंगन है, ये हमारे यहाँ पे बुंदेलखंडी जो घर है उनका आंगन है। आप दूर से इस आंगन को थोड़ा सा दिखाइए। माई आप यहाँ आ जाइए, वीरेन आप भी यहाँ आ जाइए, मैं आपसे इस घर के विषय में बारे में कुछ पूछूंगा, चर्चाएं करूंगा। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे, आप नीचे दिखा सकते हैं, तो इन्हीं घरों में रहा करते थे, और ऐसे ही कच्चे घर हमारे भी थे गांव में जब हम रहा करते थे। और इस घर में आप देख सकते हैं ये आंगन है, सबके घरों में आंगन रहता है बुंदेलखंड में, और ये पूरा जो घर है ये मिट्टी से बना हुआ है, इसे आप मड हाउस भी कह सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी का, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और मिट्टी से बने हुए ही खपरा होता है जिसे ऊपर छत के ऊपर छाया जाता है, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर की चीप भी मिल जाती है, तो पत्थर की चीप के माध्यम से बस यही ये साधन थे बुंदेलखंड में आवास बनाने के, मकान बनाने के। तो यहाँ पे लकड़ी, मिट्टी, खपरा, खपरेल जिसे बोलते हैं, इनसे ही घर बनाए जाते थे। और ये आंगन आप देख रहे हैं, आप चारों ओर घुमा करके दिखाइए, ये बड़ा अच्छा स्पेस रहा करता था। इस आंगन में सारे गांव के घर के बच्चे, क्योंकि ये संयुक्त परिवार है, और अक्सर बुंदेलखंड में संयुक्त परिवार ही मिलते हैं आपको देखने में, जहां एक घर के अंदर ही 4 से 6 कमरे होते हैं, बीच में ही एक आंगन होता है, और एक पूजा का स्थान होता है जहां भगवान शंकर जी विराजे हुए हैं, यहां तुलसी भी लगी हुई है, तो नित्य प्रति यहां सुबह से पूजा आराधना भी होती है, ईश्वर का नाम लेके दिन की शुरुआत होती है। और इस आंगन में सभी लोग बैठ करके शाम को विशेष रूप से भोज करते हैं, एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, चर्चाएं होती हैं। तो मैं माई से पूछना चाहूंगा, आप कैमरा इधर घुमा सकते हैं, माई आप हमें इस पूरे घर के विषय में आप बताइए, आप तो बहुत पुरानी हैं और हम शुरू से आपको देखते आ रहे हैं, तो हमें एक एक कमरे का परिचय कराइए, ये कमरा कैसा है, क्या होता था, अभी क्या हो रहा है इसमें, आइए चलते हैं। जी बताइए।
अब महारहान लगे अपने खेत में हम और लोग रहते अच्छा, हैं। और ये कमरा जो बगल में बना हुआ है ये तो मंजे देवा रहते हैं, भगवान जी विराजे हमारे अंदर। अच्छा अच्छा, यहाँ भी भगवान जी विराजे हुए हैं। और यहाँ कौन देवता? अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर हम जा सकते हैं कि नहीं? आइए आइए, आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे कुल देवता अंदर विराजे हुए हैं इनके, बस यहीं से हम देख सकते हैं कि अंदर लाइट भी नहीं है। हाँ वहाँ लाइट है अभी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इतनी गर्मी है कि खड़े होने पे पसीना बह रहा है, लेकिन यहाँ पे मस्त ठंडक का अनुभव हो रहा है। यदि हम देखें यहाँ पे ना, तो ऊपर आप देखिए ये वही अटारी है जिसे हम लोग अटारी कहते थे, ये अटारी है और ये ऊपर खपरेल छपा हुआ है, यानी कि ये रूफ है, ये मड हाउस है। यहाँ पे ये सारी मड की दीवालें बनी हुई हैं, मिट्टी की दीवालें बनी हुई हैं। ये एक अटारी है, यहाँ पे साइड में यदि हम देखें तो एक अटारी यहाँ पे भी इनकी बनी हुई है इस घर में। ऊपर जो मिट्टी की अटारी है, यहाँ लकड़ी की बल्लियां रहती हैं, इसके ऊपर बांस रहते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं लकड़ी की बल्ली है ये सपोर्ट देने के लिए, इसके ऊपर ये बांस डाले जाते हैं और बांस डाल करके इस पे मिट्टी छापी जाती है ऊपर नीचे से। तो ये बड़ा ठंडी रहती है और ठंडियों में ये गर्माती है और विशेष रूप से गर्मियों में ये ठंड आती है। अभी भी यहाँ पे हम जब बाहर से अंदर आए तो मुझे लग रहा है कि लगभग 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री तक टेम्परेचर में कमी है। यहाँ पे ठंडक है, बड़ा अच्छा माहौल है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगला हम चलेंगे। आइए माई, अगला आपका कमरा हम देखते हैं, बताइए आप हमें। आइए आप भी कैमरे के साथ आ जाइए, बहुत शानदार है। यहाँ फिर एक कमरा और आपका ये बगल में दिख रहा है जी, हमारे ससुर जी पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ससुर लेटे हुए हैं, दादा सो रहे हैं मुझे लग रहा है। इसके बाद ये एक अटारी है यहाँ पे भी, इसे अटारी बोलते हैं बुंदेलखंड में, इसे अटारी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें एक नीचे फ्लोर होता है और आप देख सकते हैं यदि एक फ्लोर इसमें ऊपर भी है, तो 2 फ्लोर यहाँ पे हैं। एक फ्लोर में नीचे रहने के लिए आवास बनाया जाता है, एक फ्लोर में ऊपर यहाँ पे कुछ उपयोग के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस निकल के आ रहा है, जिसमें बालकनी भी होती है, जिसमें हवा का आवागमन बराबर होता रहता है। तो एक वो कमरा वहां पे है साइड में। ये आंगन में देखिए आप, ये गेहूं सुखाने के लिए धो करके डाले हुए हैं। इसके बाद ये इसका चक्की से, हाथों की चक्की से आटा बनाया जाएगा, जो आटा बहुत ही हेल्दी होगा। और ये जब चक्की होती है वो कोल्ड प्रेस करती है, इससे जो आटा निकल के आएगा वो भी हेल्दी होगा और उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ये खत्म नहीं होगी और ये हेल्दी होगा। इसीलिए बुंदेलखंड में सभी जो गांव के लोग हैं वो हेल्दी रहते हैं। माई ये क्या है, घिनौचिया कहते हैं इसको? इसको घिनौचिया कहा जाता है। आप आगे आ जाइए, क्या कहते हैं इसे? आगे आ जाइए, इसे घिनौचिया कहते हैं। घिनौचिया यानी कि ये मटका रखा थी, बर्तन और मटका रखने का ये स्थान है। ये हर घर में नियत मिलेगा आपको, एक जगह जहाँ पे बड़ा साफ सुंदर और अच्छा, क्योंकि बारिश, इसलिए यहाँ लिपाई पोताई आपको दिख नहीं रही है, बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा सा डल लग रहा है शेड, वरना बड़ा अच्छा चित्रकारी और बड़ा अच्छा पुताई लिपाई होती है। और ये क्या ऊपर टंगे हुए हैं? ये बल्ला होली के लिए, होली के दिन टांगे जाते हैं। अच्छा, होली के दिन ये टांगे जाते हैं, है ना? बल्ला कहते हैं हमको, तो हम लोग भी ये हाँ देखा करते थे। एक ये कमरा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ लगता है निवास है इस कमरे में भी, और लकड़ी के ही दरवाजे लगे हुए हैं। इस कमरे में क्या होता था ये देख रहा हूँ मैं, बछवा। अच्छा, यहाँ पे पशुओं को पालने के लिए इस कमरे में, है ना? इस कमरे में पशुओं को पालने के लिए व्यवस्था रहती थी, क्योंकि बारिश में मुझे लग रहा है पशु बाहर समाय होगा, पहले तो रहते व्यवस्था। अच्छा, बरसात के लिए अंदर पशु पालने के लिए व्यवस्था थी, पहले रहते, अब नहीं रहता, बाद में रहने लगे। ठीक है, इंसान भी पक्के मकान बना के रह लिए है। तो मैं आपका एक लास्ट कमरा बचा हुआ है, रसोई जो सबसे अहम है, जहाँ देसी चूल्हा रहता है। यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा है, ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है। आप पूरा लुक दिखा सकते हैं पीछे उधर, ये थोड़ा सा नयाचार हो गया है, नवाचार। ये सिलेंडर भी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे खटोली डली हुई है। तो मटके है उसमें आटा के लिए। अच्छा, ये आटा के मटके रखे हुए हैं, ये तो बहुत शानदार चीज है। वीरेंद्र आप जाके दिखाओ थोड़ा सा, ये मटका आटा रखने के लिए यहाँ पे विशेष इंतजाम हुआ करते थे। आप देख सकते हैं ये आटा में यहाँ पे मटका रखा गया है। तो इस जैसे हम लोग ना घर में स्टील के या लोहे के टंकियां इस्तेमाल करते हैं आटा रखने के लिए, तो सासन के हमारे। अच्छा, ये वेरी गुड। तो ये बुंदेलखंड का परिवेश है, ये बुंदेलखंड का आवास है। माई बता रही है कि वो आटा में मटका रखा जाता है, तो ये शुरू से ही रखा जाता है। इसमें कितने दिन तक आटा खराब हुआ बना रखा जाता है? नहीं बहुत खराब, कितने दिन तक चलता रहता? 15-20 दिन तक खराब नहीं, 15-20 दिन तक, मतलब लंबे बड़ा तक ना जाए। अच्छा, खराब नहीं होता ये तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो आटा रखते हैं लोहे की कनस्टरों में, टंकियों में, वो जल्दी खराब हो जाता है। तो बहुत शानदार चीज है मटका में आटा रखने के लिए। यहाँ पे ये इनका चूल्हा बना हुआ है, माई ने बताया ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, जिसपे लकड़ी के ऊपर, कंडे के ऊपर भोजन बनाया जाता है।
और एकदम शानदार लोग आंगन का लोग आप यहाँ से देख सकते हैं बालकनी के माध्यम से, बाल गोपाल खड़े हुए हैं, ये भी मजा ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लुक है और ये आवास जो है बहुत शानदार आवास है और मजा आ रहा है एकदम देखने में आवास को भी। आप यहाँ हम थोड़ा सा माई से चर्चा करेंगे, ये हम खड़े हुए हैं बुंदेलखंड में और माई के घर में खड़े हुए हैं आवास के नीचे, मेरे ऊपर खपरा की छत खपरेल बचा हुआ है। माई यहाँ पे आप रह रही हैं जैसे इस मकान में, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पक्के मकान में जब आप जाती हैं किसी रिश्तेदारों के यहाँ नातेदारों के यहाँ, अब गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंडी लगती है, ठंडे आते हैं, तो ये मकान पक्के मकान से अच्छे है कि कच्चे मकान अच्छे हैं? ठंडी में गर्माते हैं, गर्मी में ठंड आते हैं, सब होता है, अच्छे हैं मकान। और बरसात में पानी थोड़ी चुनल लगता और सूख जाता है, गीलापन मचा जाता है, तो बहुत बढ़िया है। आप माई की देख सकती हैं, अब मेरी ही इस कॉपी है, माई का आप देखेंगे तो एकदम फिट है जब से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसी ही है। तो ये बता रही है कि मिट्टी बारिश में भी दिक्कत नहीं होती है और आप देख सकते हैं एकदम हेल्दी है, फिट है, गायों का भी खुद काम करती है, खेती में भी खुद काम करती है, भैंसियों का भी काम खुद करती है, खेती का काम खुद करती है, इसलिए हेल्दी है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो परंपरा थी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, जो संयुक्त परिवार हुआ करता था, जहाँ हम माता पिता दादा ताई चाचा काका सारे लोग एक साथ रहा करते थे, एक घर में एक छत के नीचे एक आंगन में सब खेला करते थे, रहते थे, आज ये प्रथा खत्म हो गई है, आज लोग शहरों में अकेले अकेले रह रहे हैं, अब हम भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं, बाहर रह रहे हैं, बाहर ही तो बेहतर रहती, बिखेर में रहती। अच्छा चलिए, तो कहने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो परंपरा थी संयुक्त परिवार में एक साथ रहने में कितना आनंद आता था, और आज हम लोग बाहर अकेले रह रहे हैं, हमारा परिवार पता नहीं, हमारा लोगों का पता नहीं, हम लोग अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है, बड़ा मनोरंजन होता है। हम लोग भी आया करते थे तो रात में 10-11-12 कैसे बज जाती थी, चलिए ठीक है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, आप भी बुंदेलखंड की संस्कृति को पहचाने, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हम बुंदेलखंडी कैसे आवास में रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे खाते बनाते हैं, क्या क्या बर्तन बाड़े हैं। आगे आने वाले समय में माई के हाथ से बना हुआ शुद्ध बुंदेलखंडी भोजन हम लोग खाएंगे, आपको उस भोजन का वीडियो शेयर करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप भी जो ये कॉन्क्रीट के घर, मैं तो बोलता हूँ कॉन्क्रीट का जो जंगल आपने तैयार कर रखा है, इस जंगल को छोड़िए और आप भी मड हाउस में, कच्चे हाउस में या प्रकृति में, प्रकृति की गोद में आके बसिए रहिए, आप हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपको जो एक अनुभूति होगी संयुक्त परिवार में, जो अपनत्व की अनुभूति होगी, वो अनुभूति शहरों में नहीं होगी। तो आप सभी से निवेदन है अपनी संस्कृति से जुड़िए, गांव की ओर वापस लौटिए, गांव में आकर के आप प्रकृति की गोद में रहिए, समृद्ध बनिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।